नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह, बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। बिहार की पात्रता परीक्षा जो है उसको लेकर के नोटिफिकेशन जारी किया गया है, आवेदन उसके स्टार्ट हो रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है कि सभी राज्यों को मौका इसमें दिया गया है। यहाँ पर नोटिफिकेशन आप देख पाएंगे, नोटिफिकेशन एक्चुअल में पेपर में ही क्लियर नहीं छपा था, इसलिए आपको भी थोड़ा सा यहाँ पर क्लियरिटी कम देखने को मिलेगी। तो कोशिश कीजिएगा वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा लीजिएगा, बाकी मैं आपको पढ़ करके यहाँ पर बताऊंगा। तो माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एसटेट 2023 के आयोजन और उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने वाले आवेदन पत्र भरे जाने के संदर्भ में इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना, जिसमें लिखा है एसटेट द्वारा माध्यमिक शिक्षा शिक्षक पात्रता परीक्षा 2023 में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी एवं सभी संबंधी जो है उनको सूचित किया जाता है कि ये जो परीक्षा है वो 31/7/2023 के द्वारा निर्देश दिए गए थे उसके अकॉर्डिंग कराई जाएगी, जिसमें पेपर वन माध्यमिक के तहत आने वाले विषय सभी और उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार पेपर टू उच्च माध्यमिक के आने वाले जो विषय हैं उनके लिए ये आयोजित की जा रही है। सबसे पहले थोड़ा सा जूम, तो यहाँ पर संरचना देखेंगे तो परीक्षा जो होगी उसका जो प्रश्न पत्र होगा बहुविकल्पी होगा, प्रत्येक प्रश्न एक अंक का होगा, निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होगी। परीक्षा के विषय की बात करते हैं तो अलग अलग विषय के अकॉर्डिंग ही आपके अलग अलग आवेदन भरे जाएंगे। जैसे सामान्य हिंदी के अंतर्गत इस तरीके से दिया गया है, ये पेपर वन माध्यमिक के लिए, इसी प्रकार शारीरिक शिक्षा के लिए। और ये भी समझिए कि जो भी विषय है उससे संबंधित आपकी अर्हता होनी चाहिए। जैसे शारीरिक शिक्षा है तो एक वैकल्पिक विषय के रूप में शारीरिक शिक्षा के साथ 60% अंक सहित शारीरिक शिक्षा में स्नातक। इसी प्रकार संगीत विषय है, ललित कला विषय है, नृत्य विषय है और विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए भी यहाँ पर दिया गया है। विशेष समूह की बात करें तो उसमें विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भाषा से संबंधित विषय ये भी सभी दिए गए हैं। और अगर ऊपर और जाएंगे तो यहाँ पर उच्च माध्यमिक के भी इसी प्रकार विषय दिए गए हैं। जैसे सामान्य हिंदी को आप ले लेंगे तो यहाँ पर कम से कम 50 अंक सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उत्तीर्ण हो और साथ ही साथ एनसीटी से मान्यता प्राप्त बीएड हो। इसी प्रकार और भी आपकी अर्हता अलग अलग दी गई है, जिसमें बीएड तो आपका मांगा ही गया है। इसी प्रकार बाकी भी वाणिज्य विषय है तो 50% अंक सहित किसी मान्यता प्राप्त से स्नातकोत्तर और आपका उसके साथ साथ बीएड की बात भी यहाँ पर। सामान्य विषयों के लिए निर्धारित शैक्षणिक अर्हता के रूप में लिखा है। बाकी कंप्यूटर साइंस इसी प्रकार है, कृषि विषय है, संगीत विषय है, बाकी और विषय दिए गए हैं, स्पष्टीकरण दिया गया है। पाठ्यक्रम की बात करें तो पेपर वन माध्यमिक के तहत आने वाले विषय के लिए राज्य के विश्वविद्यालय में लागू स्नातकोत्तरीय पाठ्यक्रम और पेपर टू के लिए उच्च माध्यमिक जो है उसके तहत आने वाले राज्य के विश्वविद्यालय में लागू स्नातक प्रतिष्ठा स्तरीय पाठ्यक्रम यहाँ पर दिख तो ऊपर स्नातक स्तरीय करके लिखा हुआ है, यानी पेपर वन के लिए। और प्रश्न पत्र पैटर्न की अगर बात करते हैं तो 100 नंबर का यहाँ पर देखेगा, निर्दिष्ट विषय वस्तु से 100 नंबर होगा, शिक्षण कला और अन्य दक्षता से संबंधित 50 होगा, टोटल 150 नंबर का प्रश्न। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट वो आपका ये है जो यहाँ पर आपको बात की गई है कि पाठ्यक्रम के बाद अर्हता को लेकर कि आवेदक भारत का नागरिक जो है वो होना चाहिए, ये चीज यहाँ पर जो है वो क्लियर किए गए है। और साथ ही बिहार राज्य विश्वविद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई नियमावली जो है उसके द्वारा योग्यता शिक्षक पात्रता परीक्षा के परीक्षार्थी हो सकते हैं, वो भी यहाँ लिखा गया है। बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक की अलग अलग नियमावली भी लिखी गई है। और मेन आपने यहाँ पर क्लियर चीज से नोटिस किया कि आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए, यानी कि किसी भी अन्य राज्य से भी आप आवेदन कर पाएंगे, बिहार का स्थायी निवासी होने की कोई भी इस प्रकार से बाध्यता नहीं है। बाकी उम्र छूट को लेकर के भी यहाँ पर दिया गया है, जो अलग अलग कैटेगरी वाइज आपको रिजर्वेशन मिलता है। साथ ही यहाँ पर दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 10 वर्ष की छूट होगी। उसके बाद यहाँ विषय लिखे हैं एसटेट पेपर वन के लिए हिंदी, इंग्लिश, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत और उर्दू, और एसटेट पेपर टू के लिए अंग्रेजी, गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र और वनस्पति शास्त्र, कंप्यूटर साइंस, प्राणी शास्त्र, मैथिली, वाणिज्य की 2019 और 2022 में आयोजित की गई है, इसलिए इन विषयों के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा जो होगी उसमें छूट नहीं दी जाएगी। उसके साथ साथ उत्तीर्ण के लिए यहाँ पर भी परसेंटेज दिए गए कि सामान्य वर्ग को 50% अंक लाना होगा, पिछड़ा वर्ग के लिए 45.5% अंक, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 42.5%, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 40% अंक और दिव्यांग और महिला के लिए 40-40% अंक जो है ये आपको उत्तीर्ण करने के लिए लाने होंगे। और साथ ही प्रमाण पत्र भी आपको अलग से दिया जाएगा जब आप पास हो जाएंगे। आवेदन शुल्क की बात करते हैं तो
सामान्य वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 960 रुपये पेपर 1 अथवा पेपर 2 में से कोई एक पेपर भरेंगे, दोनों पेपर भरेंगे तो 1440 रुपये। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति यदि दिव्यांग के लिए देखेंगे तो 760 केवल एक पेपर 1 और अगर दोनों भरेंगे तो 1140 है। बाकी नॉर्मलाइजेशन को लेकर के भी लिखा है कि अगर जो कठिनाई का लेवल है ये सारी चीजें होंगी तो आपका जो है वो होगा नॉर्मलाइजेशन भी। प्रवेश पत्र की अवधि की बात करते हैं तो 2.5 घंटे का पेपर होगा आपका इसमें। ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र भरने की तिथि की भी बात कर लेते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये आपकी तिथि है 9/6 नहीं 9/8/2023 के अपराहन 4:30 बजे से, यानी आज ही की तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं आवेदन और 23/8/2023 के अपराहन तक स्वीकार किए जाएंगे। 23 अगस्त 2023 तक आवेदन इसके लिए जाएंगे। आवेदन भरने की विधि की बात करते हैं तो BSE और BST टेट करके आपका ये वेबसाइट है, BSEBSTET.com, इस पर जाकर के आप आवेदन जो है वो करेंगे। यहाँ पर सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट लिखा होगा, वहां पर लिंक खुलेगा और उससे ही आप आवेदन कर पाएंगे। बाकी विस्तृत विधि यहाँ पर दी गई है अलग से भी, और प्रमाण पत्र को क्या क्या अपलोड करना पड़ेगा जिसमें आप देखेंगे तो मैट्रिक का प्रमाण पत्र और अंक पत्र जन्मतिथि के लिए, इंटर का प्रमाण पत्र, स्नातक का प्रमाण पत्र, स्नातकोत्तर का प्रमाण पत्र, बीएड का प्रमाण पत्र और अगर कोई अन्य शैक्षणिक योग्यता है वो, इसके साथ साथ जो भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो, और अगर आप क्रीमी लेयर वगैरह में आ रहे हैं तो उसको लेकर के भी OBC सर्टिफिकेट की बात यहाँ पर की गई है। और नीचे आपका इसी को ही लेकर के हेल्प डेस्क बनाया गया, उसकी ईमेल आईडी दी गई है। तो यही था हमारे पूरे मेन मेन पॉइंट हमने बता दिए, बाकी आप जब भरेंगे तो उसमें इंस्ट्रक्शन ऑलरेडी दिए जाएंगे, वहाँ से भी आप देख पाएंगे। तो यही था हमारी इस अपडेट में। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।